बजरंग सर, साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली जो वीडियो थी वो बहुत आप पसंद आई होगी आपको। कल पढ़ रहे थे अपन दवाओं के दुरुपयोग के बारे में। देखो, उसमें कुछ मुख्य बातें भी हैं, वो हमें अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि कटिंग सिलेबस के अनुसार जो भी बात बताई जा रही है वो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताई जा रही है। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डॉक्टर के पास मिलने वाली दवाओं जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रोनिफ्रिन, नाइट्रोजीपाम, डाइजीपान आदि का उपयोग नशे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नशे के लिए। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है? बच्चे नशे के लिए थिनर, अर्थात आजकल क्या है, नेल पॉलिश को साफ करने के लिए एक रसायन बनाया गया है, उसका नाम है थिनर। थिनर, एसीटोन, पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग भी नशे के लिए लोग करने लग गए। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सड़कों पर पलने वाले बच्चे नशीली दवाओं का जल्दी ही शिकार हो जाते हैं और वे जूता चिपकाने की गोंद, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे रेजर्स, मार्कर्स को श्वसन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इनका उपयोग श्वसन के माध्यम से नशे के लिए करते हैं। कि बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करते क्यों हैं, कारण क्या है इसका? तीन मुख्य कारण हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कारण क्या कह रहा है? तनाव व अवसाद दूर करने, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इन दवाओं का, नशीले पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दूसरा है कृत्रिम आनंद प्राप्त करने के लिए, कृत्रिम आनंद प्राप्त करने के लिए। तीसरा मेन पॉइंट है भूख मिटाने के लिए। तीसरा कौन सा पॉइंट है? भूख मिटाने के लिए। देखो, बात करते हैं अब खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रभाव, कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है, कि किसी खाद्य पदार्थ में अखाद्य या हानिकारक पदार्थ मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। इससे खाद्य पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन जो खाद्य पदार्थ होंगे उनकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगी? हानिकारक होगी। दोबारा से देख लेना कि किसी खाद्य पदार्थ में अखाद्य या हानिकारक पदार्थ मिलाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। इससे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। बात करता हूं शीतल पेय की, कि शीतल पेय में क्या क्या मिलावटी पदार्थ मिलाए जाते हैं। सबसे पहला फास्फोरिक अम्ल। क्या? फास्फोरिक अम्ल। यह कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, जो दांतों पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है और इसमें लोहे को गलाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। दोबारा से देख लीजिए, फास्फोरिक अम्ल क्या है? यह कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, इसका प्रभाव दांतों पर पड़ता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? दांतों पर पड़ता है। इसको, इसमें लोहे को गलाने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। यह पानी को भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने नहीं देता है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? यह पानी को भी क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने नहीं देता है। तीसरा पॉइंट है बोरिक एवं बेंजोइक अम्ल। क्या है? बोरिक एवं बेंजोइक अम्ल। यह कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करता है? अति अम्लता, अर्थात एसिडिटी। क्या करता है? एसिडिटी, एंटी एसिडिटी। क्या? एंटी एसिडिटी प्रदान करता है, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, चिड़चिड़ापन और हड्डियों के विकास का अवरुद्ध उत्पन्न करता है। अर्थात शरीर के विकास, अर्थात हड्डियां जो है उनका विकास करने में क्या हो जाता है? रुक जाता है। चौथा पॉइंट सीसा, पीबी, लेड। क्या कहते हैं? नाम क्या होता है इसका? पीबी, लेड। इनमें अति अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है।
फिर भी ये किसको प्रभावित करता है? यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क व मांसपेशियों के लिए क्या होता है? ये हानिकारक होता है। क्या होता है? यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क व मांसपेशियों के लिए क्या होता है? हानिकारक। पांचवा पॉइंट है कैफीन। क्या है? कैफीन। यह अनिद्रा अर्थात नींद न आना व सिरदर्द की समस्या भी उत्पन्न करता है। छठा पॉइंट है लिडेन और डीडीटी। डीडीटी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिल एसीटेट, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। यह हानिकारक क्या होता है? कीटनाशी है, अर्थात खेतों में इसका क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जो स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां व प्रतिरक्षी तंत्र की खराबी के लिए क्या माने जाते हैं? जिम्मेदार माने जाते हैं। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पदार्थों की मिलावट की जाती है। पहला खाद्य पदार्थ है गेहूं और चावल। कौन सा खाद्य पदार्थ है? गेहूं और चावल। जैसे ही गेहूं और चावल में क्या मिलाएंगे? कंकड़ और पत्थर, तो क्या हो जाएगी इनकी उत्पादन क्षमता? उत्पादन क्षमता अर्थात इनका जो वजन है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, जिससे क्या दुष्प्रभाव होगा कि उसके गुणवत्ता में क्या आ सकती है? कमी आ जाए। दूसरा है चना और अरहर की दाल में क्या मिलाया जाता है? केसारी दाल। कौन सी दाल मिलाई जाती है? केसारी दाल मिलाई जाती है, जिससे भी उसके गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तीसरा पॉइंट है सरसों का तेल। सरसों के तेल में या तो सत्यानाशी के बीज मिला दिए जाते हैं या सस्ता पोम ऑयल मिला दिया जाता है, जिससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है कि तेल क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है, अर्थात जहरीला हो जाता है। चौथा पॉइंट हल्दी। हल्दी में क्या मिला दिया जाता है? पीली मिट्टी या लेड क्रोमेट। पीली मिट्टी या लेड क्रोमेट जो क्या करता है? हृदय, गुर्दे तथा लीवर को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? हृदय, गुर्दे तथा लीवर को क्या करता है? प्रभावित। पांचवा पॉइंट क्या दे रखा है? बेसन। बेसन होता है चने का आटा। चने का आटा, चने के आटे में क्या मिला जाता है? मक्के का आटा मिला दिया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। गुणवत्ता में क्या आ जाती है? छठा पॉइंट है देसी घी। देसी घी में या तो तिल का तेल मिला दिया जाता है या वनस्पति तेल, जिसे अपन सामान्य भाषा में डालडा घी भी कहते हैं, ठीक है। तो देसी घी में किसकी मिलावट आ सकती है? तिल के तेल या वनस्पति तेल की मिलावट आ सकती है, जिससे उसके गुणवत्ता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सातवां पॉइंट क्या दे रखा है? मिर्ची पाउडर। क्या दे रखा है? मिर्ची पाउडर में क्या मिला दिया जाता है? लाल रंग की ईंट का चूर्ण या चूरा, ठीक है, लाल रंग की ईंट का चूर्ण या चूरा दोनों मिला दिया जाते हैं, उनमें क्या होगा? पेट संबंधी रोग हो जाएंगे। कौन से? पेट संबंधी रोग हो जाएंगे। आठवां पॉइंट क्या है? सौंफ। सौंफ में क्या मिलाएंगे? कृत्रिम हरा रंग। क्या मिलाएंगे? उससे कौन सा दुष्प्रभाव होगा? सबसे खतरनाक रोग है कैंसर रोग, वो रोग हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें एक खाद्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ मिला दें उसे क्या कहते हैं? मिलावट। क्या कहते हैं? मिलावट, जिससे उसके गुणवत्ता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और जो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा बेटा? हानिकारक। क्या होगा? हानिकारक। ध्यान रखना दोबारे से, गेहूं चावल में कंकड़ पत्थर, चना अरहर दाल में केसारी की दाल, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज या सस्ता पोम ऑयल, हल्दी में पीली मिट्टी लेड ग्रोमेट, बेसन अर्थ चने के आटे में मक्के का आटा, देसी घी में तिल का तेल या वनस्पति तेल, और मिर्ची पाउडर में लाल रंग की ईंट का चूर्ण, और सौंफ में क्या है? कृत्रिम हरा रंग।